नमः पार्वती पते हर हर महादेव। बहुत अच्छा लगा, उसकी अनुभूति लेके जा सकती है, आनंद की अनुभूति बहुत अच्छा लगा, मैं बता नहीं सकता इस खुशी की सीमा कितनी है। नाराज मुस्लिम पक्ष ने जुम्मे पर वाराणसी किया बंद, हाईकोर्ट ने तहखाने में पूजा पर रोक से किया इनकार। जुम्मे के नमाज के दिन वाराणसी को मुस्लिम समाज ने बंद करने का ऐलान किया, क्योंकि ज्ञानवापी के व्यास जी तहखाने में जिला कोर्ट के आदेश के बाद से हिंदू समाज के लोग पूजा अर्चना कर रहे हैं। बहुत उत्साह है, नमः पार्वती पते हर हर महादेव। और इससे मुस्लिम पक्ष नाराज है, जिला कोर्ट के आदेश के खिलाफ मुस्लिम पक्ष हाईकोर्ट गया, लेकिन वहां से भी मुस्लिम पक्ष को झटका ही लगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका पर पूजा पर रोक लगाने का आदेश नहीं दिया। इसके अलावा कोर्ट ने एडवोकेट जनरल को लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का आदेश भी दिया है। इस मामले में अब अगली सुनवाई 6 फरवरी को होगी। इससे पहले गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने व्यास तहखाने में पूजा पाठ रोकने से जुड़ी याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को पहले हाई कोर्ट जाने का सुझाव दिया था। वहीं आपको बता दें कि हाई कोर्ट में दोनों पक्षों के बीच बहस हुई। इसके बाद जज की पीठ ने एजी से वाराणसी की स्थिति के बारे में जानकारी ली। वहीं मुस्लिम पक्ष ने कोर्ट को बताया कि वाराणसी कोर्ट ने 7 दिन में पूजा की व्यवस्था तहखाने में करने का निर्देश दिया, लेकिन डीएम ने महज 7 घंटे के अंदर ही पूजा की प्रक्रिया शुरू करवा दी। इससे वहां अफरा तफरी मच गई है। वहीं हाई कोर्ट ने हिंदू पक्ष से पूछा कि पूजा के लिए अभी एप्लीकेशन डालने की जरूरत क्या थी। हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन ने कहा कि एएसआई के सर्वे में तहखाने का दरवाजा नहीं मिला। कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष से पूछा कि तहखाने का दरवाजा कहां गया। व्यास तहखाने में पूजा पाठ शुरू होने से नाराज मुस्लिम पक्ष ने शुक्रवार को जुम्मे पर वाराणसी बंद का आह्वान किया, मस्जिदों में जुटने की अपील की थी। इसके बाद शुक्रवार को नमाज में 1700 लोग नमाज पढ़ने पहुंच गए, जबकि सामान्य तौर पर यहां 300 से 500 लोग ही पहुंचते हैं। ज्ञानवापी परिसर फुल होने के बाद पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था के चलते नमाजियों को बाहर ही रोक दिया। पुलिस ने उनसे आसपास के मस्जिद में जाने की अपील की। पुलिस ने वहां अनाउंसमेंट भी करवाया। मुस्लिम पक्ष ने भी लोगों से यही अपील की। कोर्ट द्वारा दर्शन पूजा की अनुमति मिलने के बाद आज ये पहला शुक्रवार है। अंजुमन कमेटी के बंदे के ऐलान के बाद बड़ी संख्या में नमाजी ज्ञानवापी पहुंच रहे हैं। अंजुमन इंतजामिया कमेटी के ज्वाइंट सेक्रेटरी मोहम्मद यासीन भी ज्ञानवापी पहुंचे। मीडिया के रोकने पर यासीन ने कहा कि मेरी कोई नाराजगी नहीं है, मैं हाथ जोड़ता हूं, नमाज का वक्त है, जाने दीजिए। इससे पहले गुरुवार देर रात तक प्रशासनिक अफसरों के साथ दोनों समुदाय के बीच बैठक हुई थी। ऐसे में साफ पता चलता है कि 31 साल बाद पूजा करने की हिंदुओं को जो इजाजत मिली है, उससे मुस्लिम पक्ष नाराज है और ज्ञानवापी में अपनी मौजूदगी दर्ज करवाने के लिए ज्यादा संख्या में पहुँच रहे हैं। ऐसे में प्रशासन भी हाई अलर्ट पर ही है। वाराणसी ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में प्रशासन चप्पे चप्पे पर तैनात है, जिससे भी किसी भी तरह की अशांति प्रदेश में ना फैल सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया।